नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की न्यू वीडियो से। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं दोस्तों, अगर आपके पास Moto E50 Pro मोबाइल है, आप उसमें कॉल आईडी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों कॉल आईडी अनाउंसमेंट क्या होता है दोस्तों, आपके में जब भी किसी व्यक्ति की कॉल आएगी दोस्तों, आपने जिस नाम से सेव किया दोस्तों उसका नाम बोलेगा। दोस्तों अगर आपके में नंबर सेव नहीं दोस्तों, जितना भी उसका दोस्तों नंबर होगा वो दोस्तों नंबर बोल के बताएगा। दोस्तों कॉल आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग इनेबल करने के लिए क्या करना है, सिंपली हमने मोबाइल के डायलॉग को ओपन करना है। डायलॉग ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का नंबर शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का नंबर शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहाँ पर साइड में थ्री डॉट भी देखने को मिलेगा, सिंपली उसे पर टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का नंबर शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली सेटिंग्स वाले पर टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का नंबर शो हो जाएगा। तो होने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉल आईडी अनाउंसमेंट, सिंपली उसे पर टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का नंबर शो हो जाएगा। सो होने के बाद दोस्तों आपके में कॉलर अनाउंस कॉलर आईडी आपको सिंपली उसे पर टाइप कर देना। टाइप करने के बाद दोस्तों अभी आपके में यहाँ पे नेवर में होगा, तो दोस्तों आपको करना क्या दोस्तों, ऑलवेज वाले पे सिंपली टिक कर देना। टिक करने के बाद दोस्तों अब आपके मोबाइल में जब भी किसी व्यक्ति की कॉल आएगी दोस्तों, उसका नाम बोलकर बताएगी। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में कॉल आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग ऑन कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां बैठे मिलेंगे वीडियो।